लोकसभा चुनावों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार वो किया जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज करी और भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 सीटों में ही सिमट कर रह गई। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, अब वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की यहाँ पर अपर्णा यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता भी है। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आई थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये चर्चा थी कि भाई अब 2024 की लोकसभा चुनावों में यहाँ पर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उतारती नजर आ सकती है, लेकिन अपर्णा यादव को यहाँ पर भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को अपने ही परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन अपर्णा यादव ने इस बात का इनकार कर दिया और मना कर दिया कि मैं अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई अपर्णा यादव को ना तो 2022 में मौका मिला, ना ही 2024 में मौका मिला। अब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की ओर रुख करती हुई नजर आ सकती है। मैं आपको बता दूं, यहां पर अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से संसदीय का चुनाव लड़ा, सांसद बने, लोकसभा में देखिए यहां पर संसद भवन पहुंचे। अब ऐसे में जो जिस सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, उस सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब ऐसे में वो सीट खाली हो चुकी है और उस सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सीट समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित सीट है और इसी सीट से समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारती नजर आ सकती है। हालांकि चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव इस सीट से अपने भाई तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन चर्चा दूसरी तरफ ये भी है कि भाई यहाँ से अपर्णा यादव को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो। मैं आपको बता दूं, अपर्णा यादव की वापसी करने का प्रयास यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव लगातार करते नजर आ रहे हैं। कई बार उन्होंने बड़े संकेत भी दिए। उन्होंने एक बार कहा था कि अपर्णा यादव के लिए समाजवादी पार्टी के द्वार हमेशा खुले हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की ओर रुख करती हैं या फिर नहीं। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।